हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं नन्फोनाइट, एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक। इससे हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। ये देखने में इसका क्वेश्चन आपको लगेगा टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन, बट ये टाइम एंड टेंस से एकदम अलग होता है और इसके रूल्स भी एकदम अलग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नन्फोनाइट के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। उससे पहले आपको याद दिला दें, नन्फोनाइट तीन तरह के होते हैं। नन्फोनाइट कितने तरह के होते हैं? तो ये थ्री काइंड्स होते हैं। एक होते हैं आपको इन्फिनेटिव, एक होते हैं इन्फिनेटिव, दूसरे होते हैं कौन से? तो दूसरे होते हैं आपको जिरेंड, तीसरे होते हैं पार्टिसिपल। याद दिला दें आपको, जिरेंड और पार्टिसिपल होते हैं, समझ गए? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें, है ना। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? 2+V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं। और एक इन्फिनेटिव में एक और टाइप होता है बेयर इन्फिनेटिव, उसको बोलते हैं डायरेक्ट V1, ठीक है, उसमें 2 नहीं होता है। और जिरेंड होता है भी का V4, मतलब चौथा रूप भर्व का। पार्टिसिपल होते हैं V4 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल V3 होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 होता है। तो हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, सी हैड बेटर डैश टू हर मास्टर। आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे हैड बैटर का यूज किया गया है। याद दिला दे, हैड बैटर, वुड रादर, नथिंग बट, इस तरह के वर्ड जब भी आए तो इनके बाद भर्व का पहला रूप लगता है। यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। चलिए भर्व का पहला रूप खोज के निकाले। आपको दिख रहा होगा लास्ट वाला डी है भर्व का पहला रूप, ऑप्शन ए नहीं होगा। भर्व का तीसरा रूप है, ये भर्व का चौथा रूप है, ये भर्व का पाँचवा रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा है, नेक्स्ट। सी आनंद विशेज डैश ए प्रेस्टीजियस लाइफ, ठीक है। यहां पे विशेज के बाद है ना, आप इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इन्फिनिटिव का, ठीक है। तो इन्फिनिटिव कौन है? 2+V1 वाला इन्फिनिटिव लगेगा यहां पे, बेर इन्फिनिटिव नहीं। तो आनंद विशेज टू एंजॉय ए प्रेस्टीजियस लाइफ, ठीक है। यहां पे याद रखिएगा, जब भी कोई वर्ब हो, वर्ब के तुरंत बाद कोई आ रहा हो, तो आइदर वहां पे V4 लगता है, V3 लगता है, या फिर इन्फिनिटिव लगता है। बेसिकली V4 और इन्फिनिटिव सबसे ज्यादा लगने के चांस होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। V3 लगता है गेट वगैरह के बाद सबसे ज्यादा। आगे है हमारा क्वेश्चन, ये जो है ऑफ का यूज किया गया है। मोना इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है याद करिए। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का चौथा रूप लगता है। हम अपने 4-5 गोल्डन रूल में बताए हैं, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा रूप लगता है। तो आप बता सकते हैं, चौथा रूप रीडिंग है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें, बिना किसी दिक्कत के आप बता सकते हैं इसको। अगला है, हर वीकनेस इज डैश वाइन। अच्छा, एक तो आप जानते हैं इजमार के बाद V4 लगता है, इससे भी आप बता सकते हो क्या लगना चाहिए। हर वीकनेस इज ड्रिंकिंग वाइन, उसकी कमजोरी शराब पीना है। तो सीधा बात है, यहाँ पे ड्रिंकिंग लग जाना है। हर वीकनेस इज ड्रिंकिंग वाइन। एवरीवन अप्लॉड्स सचिन तेंदुलकर्स प्ले। हर किसी ने सचिन तेंदुलकर के खेल का प्रशंसा किया करता है, ठीक है। यहाँ पे हर कोई सचिन तेंदुलकर के खेल का प्रशंसा करता है, ये हो जाएगा। डेट्स वाई यहाँ पे प्ले ऑप्शन सही हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, सी बिलीव्स इन डैश हार्ड। देखिएगा, वो विश्वास करती है कड़ी मेहनत में, वर्क हार्ड। यहाँ पे वर्क नाउन के तरह प्रयोग हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। और नो वन कैन प्रिवेंट मी, अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं प्रिवेंट मी है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था आपको प्रेपोजिशन, डेट्स वाई प्रिवेंट के बाद प्रेपोजिशन आपने नहीं डाल रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे कमिंग हियर डायरेक्ट डालना होगा, ठीक है। नो वन कैन प्रिवेंट मी कमिंग हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन छिपा हुआ है, एकदम हिडन है। उर्वशी एंड अनुज आर ऑन द रूफ, ठीक है। इरिगेटिंग द फ्लावर्स, उर्वशी और अनुज छत पर फूल को पानी दे रहे हैं,
ठीक है। अच्छा है, नेक्स्ट देख सकते हैं, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क हैड ए मैरी टाइम। गौर कीजिएगा यहाँ पे, ये तो सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो गया है, उसके बाद कोई वर्ब डालना है यहाँ पे, एकदम ये टाइम एंड टेंस है, बिना किसी दिक्कत के आप समझ लीजिएगा। चिल्ड्रन प्ले होगा, प्ले भी हो सकता है और प्लेड भी हो सकता है। अब हम लोग को पता कौन करना होगा, प्लेइंग तो नहीं होगा और प्लेज नहीं होगा, क्योंकि वी फाइव है ये, जो कि सिंगुलर है, और ये सिंगुलर होने की वजह से नहीं होगा, क्योंकि ये प्लुरल है आपका, ये क्या है, प्लुरल है, प्लुरल के साथ सिंगुलर नहीं होता है। अब यहाँ देखना होगा ऊपर में ए और बी में कौन सा सही होगा, चूँकि यहाँ पे हैड है, हैड ए मैरी टाइम मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, डेट्स वाई ये प्रेजेंट टेंस ना हो के ये पास्ट सही हो जाएगा हमारा। अगला है, शंकर नोज हाउ डैश ए माउंटेन फ्रॉम अ मोल हिल। ठीक है, शंकर को पता है कैसे राई का पहाड़ बनाना है। ठीक है, हाउ के बाद हमेशा टू प्लस भी वन का यूज होता है, याद रखना होगा, हाउ टू रीड, हाउ टू प्ले, हाउ टू राइड अ साइकिल, तो समझ सकते हैं टू मेक हो जाना है तब। ठीक है, एवरी वन शुड डैश हिज कंट्री। ठीक है, एवरी वन शुड डैश हिज कंट्री, यहाँ पे हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। यहाँ पे शुड का यूज किया गया है, जो कि मॉडल्स है, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप लग जाएगा, तो लव हो जाना है। ठीक है, अगला आते हैं, मदर अलाउड मी। ठीक है, मदर अलाउड मी टू गो देयर, याद रखना है ये, हम लोग प्रपोजिशन में भी, ये नरेशन में भी पढ़ें इस तरह का सेंटेंस, रिक्वेस्टेड मी, अलाउड मी, इस तरह के सेंटेंस में टू प्लस भी वन का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना रिफ्यूज्ड डैश हिज पेरेंट्स। ठीक है, मीना रिफ्यूज कर देती है अपने पेरेंट को। ठीक है, मीना रिफ्यूज टू ओबे हिज पेरेंट्स, यहां पे देखिएगा वर्ब के तुरंत बाद आना है, तो यहां पे सीधा आपको एक ऑप्शन आता है, आई रिफ्यूज टू गो देयर, है ना, ये सेंटेंस बहुत इन फैशन है, आप लोग बोले भी होंगे, मैं वहां जाने से इनकार करता हूं, तो रिफ्यूज के बाद टू प्लस भी वन लगना है, डेट्स वाई टू ओबे होगा। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई कमिंग लेट। ठीक है, मुझे माफ कीजिएगा मेरे लेट आने के लिए। ठीक है, फॉर माई कमिंग लेट। ठीक है, अगला है, आई एडमायर मोहन्स डैश स्पीच। यहां पे ध्यान दिया जाए तो कुछ हद तक आपको समझ में आ जाएगा, स्पीच यहां संज्ञा है, यहां कोई विशेषण आना होगा। ठीक है, अब इस विशेषण यहां क्या ला सकते हैं, तो विशेषण आमतौर पे दो हो सकता है, डिलीवरिंग और डिलीवर्ड, तो यहां पे एक्चुअली डिलीवर्ड होगा। ठीक है, आई एडमायर मोहन्स डिलीवर्ड स्पीच, मोहन के दिए गए भाषण का मैं प्रशंसा करता हूं। ठीक है, तो डिलीवर्ड हो जाना है यहां पे, विशेषण के तौर पे बन रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जा रहा है वो। प्रेमा नोज हाउ टू डैश द गिटार, अभी तुरंत हमने जाना कि हाउ के बाद टू लगता है, तो टू प्ले हो जाना है। ठीक है, प्रेमा नोज हाउ टू प्ले द गिटार। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिएगा, एवरीवन प्रेजेस संजय'स सिंगिंग सॉन्ग होगा। ठीक है, यहाँ भी एक एडजेक्टिव की तरह ही यूज हुआ है, ध्यान दें अगर आप, तो सॉन्ग यहाँ पे नाउन है, और नाउन के ठीक पहले एक एडजेक्टिव प्लेस करना है, जिसके वजह से सिंगिंग सॉन्ग एक सटीक ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी विल बी ग्लैड। ठीक है, सी विल बी ग्लैड टू अलाउ योर रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ग्लैड टू सी यू जरूर सुना होगा आपने, तो वही टू प्लस भी वन यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे, तो टू अलाउ हो जाना है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इसी में। अगला क्वेश्चन है, अजय डज नथिंग बट, एक बात याद रखिएगा, अभी तुरंत हमने कहा था नथिंग बट के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप लगेगा, तो बताइए कौन सा रूप लगेगा, डज नथिंग बट टॉक। ठीक है, डज नथिंग बट टॉक, डज नथिंग, नथिंग बट हो गया, वुड रादर हो गया, हैड बेटर हो गया, इन सब के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है। देखिएगा, अभी तुरंत हम बात कर रहे थे हैड बेटर, हैड रादर के भी बाद वर्ब का पहला रूप होता है, इसका मतलब होता है सी हैड रादर डैश अप हर क्लेम। ठीक है, गिव अप हर क्लेम, गिव अप माने होता है छोड़ देना। ठीक है, उसके लिए अपना दावा छोड़ देना बहुत बेहतर था। ठीक है, हैड रादर बहुत ज़्यादा बेहतर।
ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ही वॉन्ट्स नथिंग बट टैक्स मनी। एक बात याद रखोगे, नथिंग बट के बाद अभी तुरंत हम बोला था वर्ब का पहला रूप लगाइएगा, तो फिर से यहाँ पे अर्न लग जाना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, एकदम याद रखिएगा। सी के नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम डैश देयर, फिर से देख सकते हैं फ्रॉम आ गया है, फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा रूप, चलिए गोइंग लगाएंगे यहाँ पे, वर्ब का चौथा रूप जेरेंड होता है एक्चुअली यहाँ पे। सी सक्सेडेड इन डैश टू द टॉप पोजिशन, फिर से यहाँ पे देख सकते हैं इनका यूज हुआ है जो कि वर्ब का चौथा रूप इसके बाद आएगा, मतलब इन प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद भी फोर होता है तो रिचिंग हो जाना है, आसान था ये। राधा वॉज इन द किचन डैश सम वर्क, ठीक है, राधा वॉज इन द किचन डूइंग सम वर्क, एक्चुअली यहाँ पे डूइंग जो है बन रहा है पार्टिसिपल, ठीक है, डूइंग सम वर्क, राधा किचन में थी कुछ काम करने के लिए, यहाँ पे डूइंग लगा है वर्क के वजह से, एडजेक्टिव बन के आया है ये, ठीक है। डैश द बॉक्स, ठीक है, डैश द बॉक्स सी टुक आउट ए टॉय, देखिएगा बॉक्स खोला वो उससे टॉय निकाला, अगर आप ही बॉक्स खोल के टॉय निकालते हैं तो बहुत जल्दी निकालते हैं, इसका मतलब है इसमें कम का अंतर रहा होगा, और ऐसे वाले में हम बताए थे कि वो पार्टिसिपल से शुरू होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू होता है, तो ओपनिंग द बॉक्स, ओपनिंग द बॉक्स हो जाता है, ठीक है, ऐसा ढेर सारा हमने सुना है। ऐसा आपको और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, लाइंग ऑन द बेड ही स्टार्टेड रीडिंग, वो बेड पर सोकर पढ़ना शुरू किया, ठीक है। सीइंग अ लायन ही फ्लैड अवे, इस तरह का ढेर सारा ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, नैनफ्राइड देखेंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे सी यू बाद में, सी यू।